पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इस बीच जुमे की नमाज से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक रहमान बर्क ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान देते हुए तंज कसा। सपा सांसद शफीक रहमान बर्क ने कहा कि मोहम्मद पैगंबर की गई टिप्पणियों से देश और दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और होम मिनिस्टर शाह चुप्पी साधे हुए हैं। पीएम और होम मिनिस्टर हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों के भी पीएम और होम मिनिस्टर हैं। हम नहीं चाहते देश और दुनिया के हालात और बिगड़े। सपा सांसद शफीक रहमान बर्क ने कहा कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर शाह इस मामले में हस्तक्षेप कर हालात को संभालें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश के हालात और बिगड़े। भविष्य में मोहम्मद पैगंबर साहब पर कोई विवादित टिप्पणी करने का साहस ना कर सके, इसके लिए सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।